तो दोस्तों आज जो है मैं जा रहा हूँ दुरांत कप का फाइनल मैच देखने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम में। तो चलिए वहाँ चलते हैं और मज़ा करते हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग दोस्तों, लेट्स गेट स्टार्टेड। यही बस है, इसी से हम जा रहे हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम। ये है हमारा दुरांत कप का टिकट। तो जर्नी जो है हमारी हो गई शुरू और हम जा रहे हैं अभी वीआईपी गेट के पास से हमारे पास, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया, और यहाँ से निकलेंगे और उसके बाद पहुँचते वहाँ, फिर देखते हैं क्या क्या करते हैं। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है सॉल्ट लेक स्टेडियम में भी, और कोई फुटबॉल मैच में भी, एनी टाइप ऑफ फुटबॉल मैच, चाहे नेशनल हो, लोकल हो, कुछ भी, फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा। तो देखता हूँ कैसा मज़ा आता है और अपना जो एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा थ्रू दिस कैमरा, थ्रू दिस फॉर्म। फाइनली जो है हम पहुंच गए हैं स्टेडियम के बाहर, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़, और अभी हम ढूंढ रहे हैं वीआईपी गेट, और वीआईपी गेट ढूंढ के उस तरफ निकलेंगे, उस तरफ बढ़ेंगे, फिर मिलते हैं आपको वहां पर। हालांकि ये 4 नंबर गेट जो है ये वीआईपी गेट नहीं है, बट हम इसके अंदर से घुस के जो है वीआईपी की तरफ बढ़ जाएंगे। ये रिफ्रेशमेंट पैकेट मिला है हम लोग को गेट पे, ओनली फॉर आर्मी पर्सन, सबके लिए नहीं भाई, ओनली फॉर आर्मी पर्सन। की भाई वीआईपी गेट से जाना है, वीआईपी गेट में जाएगा। किधर है वीआईपी गेट? इधर आगे जा, आगे है दादा। भाई मेरे को पता नहीं, मैं पहली बार आ रहा हूँ। मैं हूँ ना, कोई टेंशन ले नहीं। ये खाएंगे खेला है आपको पंगा नहीं लगा ग्राउंड में मैं खेला हूँ पता है सही में? अरे वाह, कौन सा टीम? क्या भाई, हमारा बचपन में इधर ही खेल कूद के बड़ा हुआ है इसी ग्राउंड के अंदर। कितने साल खेलो इधर? इधर से तो 10 साल खेल दिया मैं। 10 साल कलकत्ता अजमेर से जाना, आगे से चलना है वीआईपी में जाएगा। ये पास तो वीआईपी का, तो वीआईपी में जाएगा ना। और ये वीआईपी एंट्री प्लाजा आर के थ्रू वीआईपी एंट्री कर दी हमने। और ये स्टेडियम है, आ गए हम स्टेडियम में। पैकेट ये वी आई पी जगह पे ऑलरेडी ये पैकेट रखा हुआ है खाने पीने का, क्या कुछ है इसमें वीआईपी लोगों के लिए, मतलब जिनका चेयर है उनके लिए। और ये पैकेट अलग से मिला था। ये फ्रेम सही आ रहा है, पूरा फ्रेम आ रहा है एकदम ग्राउंड का। गोइंग फॉर अ सुसु ब्रेक, मैच स्टार्ट होने से पहले एक सुसु ब्रेक ले लेते हैं ताकि फिर बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। आर्मी में आप देख सकते हैं कि वीआईपी की सीट पे सभी सीटों पे जो है इस तरीके से पैकेट्स रखे हुए हैं, और इनमें जो क्या क्या आइटम्स हैं वो मैं कुछ देर पहले आपको दिखा चुका हूँ, हर सीट्स पे रखे हुए हैं। मजा आ रहा है? तो बहुत बहुत मजा आ रहा है क्या बोले, अब स्टार्ट भी नहीं हुआ है।
मैं पहली बार आया हूँ ना, इसलिए मेरे को ज़्यादा मजा आ रहा है। अच्छा लग रहा है, ये एनवायरनमेंट देख के, स्टेडियम वाला देख के फीलिंग अच्छा आ रहा है। मज़ा था, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है मेरा। मेरा फर्स्ट टाइम, मज़ा आ रहा है, लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा अंदर से अच्छा फील हो रहा है। आगे और भी मज़ा आना चाहिए। अभी हाफ टाइम हुआ और हाफ टाइम के बाद जो है 1-1 ईच गोल हो गया है, और अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मज़ा आ रहा है वैसे। क्या भाई खेला, कैसा हो रहा खेला? हाँ, तो बहुत अच्छा हो रहा है। बैंगलोर बहुत अच्छे खेल रहे हैं। हाँ, बैंगलोर ज़्यादा बेटर खेल रहा है, मुंबई से ज़्यादा बेटर खेल रहा है। ड्यूरिंग ब्रेक ये हो रहा है, ड्यूरिंग ब्रेक हमारे यहाँ पे टीवी पे तो ऐड आ रहा होगा। यहाँ पे एड फ्री कंटेंट मिलता है ओनली ऑन टेक्निकल ऑफिशियल चैनल, तो सब्सक्राइब कर लेना। Two goals to one.
और इसी के साथ बैंगलोर इस मैच को 2-1 से जीत लिया और हम जिसको सपोर्ट कर रहे थे वो टीम जीत गई क्या भाई? यस यस बैंगलोर जीत गया, बैंगलोर सपोर्ट कर रहा था, मजा आ गया। Now we are taking just to home. इसी के साथ जो हमारा ये मैच है खत्म हो गया और यहाँ पे एफसी बेंगलुरु जीत गया और अब हम चलते हैं अपने घर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और मज़ा आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ। बाय बाय।